कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मुझे बेहद खुशी होती है। अजय पिरामल जी और सिक्का साहब को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। दुनिया जानती है कि गुरु नानक एक महान और उजागर हस्ती हैं। दुनिया उनको मानती है, भारत मानता है, हम उनको मानते हैं। हम चाहते हैं कि आजकल भारत में गुरु नानक जैसे इंसानों की ज़रूरत है, जो इस अंधेरे रास्ते को मार्गदर्शन करने के लिए। हम चाहते हैं कि इस देश में अमन रहे, आपस में मेल जोल रहे, इस देश को जोड़ कर रखना हमारा फ़र्ज है। और गुरु नानक का यही मैसेज था कि इंसानियत और मोहब्बत, हमारा पैगाम मोहब्बत है, दूर तक पहुँचे। और बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, ये भी बड़ी खुशी हुई है कि रहमान साहब का म्यूज़िक है। दुनिया जानती है कि रहमान साहब म्यूज़िक में क्या जान देते हैं, और उनको ज़रूर प्रेरणा और इंस्पिरेशन हुई होगी कि गुरु नानक जैसी हस्ती को उन्होंने लेकर ये म्यूज़िक बनाया है। तो मुझे यकीन है ये म्यूज़िक बहुत बढ़िया होगा, और मैं पिक्चर्स के प्रोड्यूसर्स को मेरी तरफ से भरपूर बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज के दौर में गुरु नानक को लाकर भारत देश का एक हौसला बुलंद किया। जय हिंद। जी, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, खबर नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये ठीक है कि गुरु नानक टाइटल फिल्म हो इसका, और उस फिल्म को बैन करना। किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। गुरु नानक दुनिया जानती है कि बहुत बेहतरीन इंसान और अच्छी तस्वीर है उनकी, और अच्छा उन्होंने एक मिसाल जोड़ा है सारी दुनिया में, और मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों बैन किया गया। ये बहुत लोगों को गलत फहमी है कि ये पंजाब में मेजर मार्केट है। गुरु नानक साहब को मानने वाले सिंधी, मुल्तानी, हिंदू, पंजाबी, क्रिश्चियंस, मुसलमान और सिख ऑफ कोर्स हैं, और तादाद 50 मिलियन से ज़्यादा है। हम अभी कुछ 5 देशों का टूर करके आए थे, और ईरान की एक औरत ने कान फिल्म फेस्टिवल में, जहाँ पर ये फिल्म को बड़ी इज्जत मिली, उन्होंने 4 दिन वेट किया ताकि मैं उनको एक गुरु साहब का ऐसा एक पोस्टर दे सकूं। और जब उन्होंने पोस्टर लिया तो उन्होंने इस तरह से नतमस्तक होकर कहा, मेरे वाहेगुरु। तो ऐसी क्या शक्ति है जिन्होंने सिर्फ ये बोला कि परमात्मा ओंकार खुदा एक ही है, और अगर आपको कुछ कर्म करना है और कुछ बांटना है और साथ में परमात्मा को याद रखना है तो आप सिख हैं। उन्होंने सिखिज्म एज ए रिलीजन नहीं बनाया, उन्होंने वे ऑफ लाइफ बनाया। उन्होंने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया था पूरे संसार को, जिसमें कहा था भंड जमी, भंड निमी, भंडो मंगन व्याहो। भंड मीन्स औरत। कहा था कि हम औरत से पैदा होते हैं, औरत के साथ चलते हैं, औरत से शादी करते हैं। उन्होंने कहा था कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान, फिर उसकी बेइज्जत क्यों करते हैं जो राजाओं को जन्म देती है। और लास्ट पंक्ति थी कि नानक भंडो बहरा एको सच्चा सोए। अगर कोई औरत के दायरे से बाहर है तो वो सिर्फ परमात्मा है। और आज सबसे ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड, जो भ्रूण हत्या है, वो नॉर्दर्न बेल्ट में है। तो चिराग तले अंधेरा है, और अब उस अंधेरे के बाद क्या करूँ कि 2 महीने के लिए फिल्म पंजाब में सस्पेंड हुई है, ये नहीं जानते हुए कि डिजिटल व्यू में आज आप 1 मिनट के लिए भी कोई चीज़ सस्पेंड नहीं कर सकते। तो जो खेल परमात्मा के हैं वो वही जाने। मैं तो फिल्म प्रोड्यूसर हूँ नहीं, मैं तो एक आम आदमी हूँ जिसे कुदरत ने बख्श दिया है।
ऐसा होता है कि गुरु साहब एक हिंदू परिवार में पैदा हुए और उन्होंने हिंदू के रीति रिवाजों को तोड़ा और बोला कि रिचुअल्स में परमात्मा नहीं है, और उन्होंने सिखिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ तय किया। बट हमने, कुछ लोगों ने, ज़्यादा नहीं, पूरा पंजाब नहीं है इस तरह से, पूरा पंजाब दिल्ली और हरियाणा में आ जाएगा फिल्म देखने के लिए, बट उन्होंने ऐसा सोचा कि ये गुरु साहब हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो इसको हम अपने बाहर से दायरे से बाहर जाने देंगे तो पता नहीं क्या हो जाए। नहीं, मैं किसी के साथ में कोई टकराव नहीं कर रहा हूँ। मेरा फिल्म से पैसा कमाने का मतलब नहीं है कि जो कमाया जाएगा वो लंगर की तरह नीडीज़ में, लोगों में बांटा जाएगा जिनको इनकी ज़रूरत है, और वो ज़रूरी नहीं कोई एक धर्म के। और मैं किसी के ख़िलाफ़ में, मुझे कोई दुख नहीं है कि कोई देखना चाहता है कि नहीं, 2 महीने के लिए बैन है या 1 महीने के लिए है, ये परमात्मा जाने और वो लोग जाने जो ये सियासत कर रहे हैं। I have a throat infection, so. Okay.
I expect everyone to watch this movie. I think a movie like this is a need of the hour, and a subject like this has never been talked about in Indian cinematic history, especially 500 years of Sikhism and Sikh history. A film of this magnitude, of this stature, a film of this positivity has never come out. So I hope good things happen with this movie. It was quite easy because he was never there. Also, he was mentoring the project. So basically, myself and Thomas has to work and show it to him and go back to him, and he will say corrections and we just execute it. So that way, pretty much we had a free hand. See, in the 500 years of Sikh history, a film like this has never come out. So especially it's going to create some ripples. I think you know, people should watch this movie and then decide whether it is to be shown, it should be watched, it should be discussed. Without watching it, a blanket ban or blanket no, I don't think it's a good idea. It is not a ban, it has been suspended, so you can't say it is a ban. There are groups that, they're saying that reasons which are very, very private to them. I am a person who is not a part of the Sikh community, so I can't comment on why and what is the reason and why, whether it should be done or not should not should be done. So it is very, very private. I shouldn't comment on that. Hello. Hi. What do I say? मैं उम्मीद यही करता हूँ कि लोग इस फिल्म को देखें, पसंद करें. बहुत मेहनत और शिद्दत से हमने बनाई है, और जो संदेश इस फिल्म में दुनिया को पहुँचाने की कोशिश की है वो बहुत मायने रखता है आज के समय में. तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को देखें और जिस वजह से हमने बनाई है उसको समझें, अप्रिशिएट करें. थैंक यू. मेरे ख्याल से तो बैंक नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ को देखने का एक आज़ादी होनी चाहिए. और मैं ज़ाती तौर पे किसी बैन को सपोर्ट करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ वजह से बैन किया है, तो मैं चाहता हूँ वो वजह हम इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह से दिखा रहे हैं किस वजह से उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया. तो मेरी अपील यही है कि वो अगर आके देखें इस फिल्म, जिस वजह से वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो शायद उनके मन में दिमाग में जो भी शंकाएँ हैं वो खुल जाएंगी, निकल जाएंगी. आई होप बैन जल्दी उठ जाए. No comments. I don't want to comment on anything beyond that. Subject matter is a little sensitive, and people react differently to different things about their faith, culture, and religion. And one has to respect that. But they need to be a little aware about how it is portrayed in the film. And because I've been a part of the film, I know we've portrayed it very honestly, accurately, without hurting anybody's religious sentiment. They should come and watch it before passing any value judgment. Thank you. See, we haven't depicted Guru Nanak Sahib. We have just used CGI in giving a form to that entity, Guru Nanak Dev. So we haven't actually depicted him physically. He's done through a lot of hard work, a lot of CGI. So I think people should come and watch that and appreciate it. Thank you. मैं सिर्फ ये इतना कहूँगी कि दिस फिल्म हैज़ मेंट अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट. दिस इज़ द पार्ट विच
I have really treasured. This part is which I have really treasured really very much, and finally the film is releasing, and it's very serendipitous for me. Yeah, so it's a great feeling. Yeah. बुरा लगा के ओ माय गॉड बैन हो गई, लेकिन बट प्लीज इज ऑन, बट आई होप पीपल कम आउट एंड वॉच दिस फिल्म. इट्स अ वेरी गुड फिल्म एंड वी पुट आवर होल सोल इनटू इट. आई मीन इट्स रिलीजिंग आफ्टर अ हायटस ऑफ 2 years, सो आई मीन आई थिंक यू हैव टू आस्क द प्रोड्यूसर अबाउट इट. आई एम फिल्म से मुझे काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशन थे, क्योंकि काफ़ी सुना है मैंने फिल्म के बारे में. वर्ल्ड बायोपिक अभी तक ऐसी सिख फिल्म में बनी नहीं है. अभी गुरु नानक जी का ये जो बायोपिक है, सिंस आई नो रसेल, मैंने इसका कुछ पोर्शन देखा हुआ है पहले, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, बहुत एक्साइटेड हूँ. जनरली ऐसी फिल्में बनती नहीं हैं, और बनी है तो उसको अच्छा सपोर्ट करना चाहिए. बट इस फिल्म को लेकर काफ़ी सारे बैन की भी बातें आ रही हैं, पंजाब में फिल्म को बैन कर दिया जाना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को किस तरह से देखती है? वेरी ऑनेस्ट, आजकल बहुत सारी चीज़ों में बैन लगना शुरू हुआ है मगर फिल्मों में बैन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इट्स अ क्रिएटिविटी, और हर एक को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का हक है. गुरु नानक जी की लाइफ के बारे में ये फिल्म है, तो उसको बैन करने की क्या ज़रूरत है? उसमें कुछ गलत तो नहीं होगा, जो उनकी ज़िंदगी में हुआ है वही फिल्म में आ रहा है, तो उसको लोगों के सामने आने के लिए क्या प्रॉब्लम है? तो बैन तो खैर कोई भी फिल्म पर होना नहीं चाहिए, और जहाँ तक मैं इसके अगेंस्ट हूँ, बैन बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए. अगर बैन कुछ करने की बात है, तो आई विल बी द फर्स्ट वन जो प्रोटेस्ट अगेंस्ट है. आई डोंट नो कि कौन से अवार्ड जीतने वाली हूँ, बस अच्छा काम करने की कोशिश है, वही चल रहा है. भूतनाथ को भी नेशनल अवार्ड मिला, सो आई एम वेरी हैप्पी. उसके पहले धक्को भी मिला था, सो आई एम जस्ट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ गुड फिल्म. So whatever he says, ditto for me. So I think it's a movie about wisdom, it's a movie about guidance, it's a movie about kindness and beauty. Because there's so much of history, the culture of a country, part of the culture of our country, and so I'm playing this little part of being a music mentor. All I did was get my friend Thomas Cantalanian and connect him to Rasul and Sikam. It's a new role, and I felt I was heartbroken that I couldn't do it, because I had so much last year, but I'm so glad that, you know, the rightful candidate for that is Thomas and his destiny, I guess. So how different will be this film's particular movie? We see many movies, and some of them are for entertainment, some of them are history, and this one is both. It I think it's the void which we all face now. We want something beautiful, and this is one of them. Thank you. I think we are particularly blessed that we've had an opportunity to support a film made on Guru Nanak Dev Ji, his message of one God, ek omkar,
is most relevant towards, it's a universal message of love and brotherhood. It's really relevant to, for all people, especially in today's environment where there's so much of strife, there's so much of struggle, there's so much of conflict in the world. This message, if it is spread, will be a big benefit to society. So we feel, as I said, very fortunate that we've had an opportunity to participate in this project. तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि गुरु नानक देव जी की जो फिल्म बनी है उस पर हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो गया है. गुरु नानक देव जी का जो संदेश है कि एक ओंकार या एक भगवान है सभी का, वो आज बहुत महत्वपूर्ण है. आज की स्थिति में जब इतना झगड़ा हो रहा है, इतना भेदभाव हो रहा है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं कि इसमें हमारा भी कुछ सहयोग हुआ है. आशीर्वाद है कि बापू जी ने गाया है. और बापू जी अमेरिका में है लेकिन उन्होंने बहुत बहुत ही इज़ रियली मिसिंग दिस प्रीमियर. थैंक यू. सी व्हेन यू मेक अ फिल्म लाइक दिस द होल आइडिया इज़ टू यूनाइट सोल्स. यू नो द मैसेज इज़ ऑलवेज लव एंड पीस एंड म्यूजिक इज़ द बेस्ट यू नो कैटलिस्ट इन स्प्रेडिंग दिस मैसेज. सो फॉर मी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म. And I just wish this film great luck, and I'm sure it will be an international success, not just in India.